हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ अगेन मीशो का एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कुछ कुर्तीज है, कुछ कुर्ता सेट है एंड एक साड़ी है। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे मैंने, क्योंकि जितने भी अभी ये कुर्तीज हैं जो मैं आज अभी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, उनका मटेरियल वगैरह बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, मुझे जो लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट आया था कि वॉश करने के बाद आपका कोई ग्रीन सूट ख़राब हो गया था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कुछ सूट्स होते हैं जो हैंड वॉश नहीं होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में एक ग्रीन सूट की बात की गई थी, तो वो सूट जो हैंड वॉश नहीं होता है, कुछ ऐसे सूट्स होते हैं जिनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। ये बहुत सॉफ्टली आपको मशीन में वॉश नहीं करना होता, हैंड्स के साथ बहुत आराम से वॉश करना होता है। तो उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, डिस्क्लेमर ही है ये कि कोई भी इनमें से कपड़ा जो है मैंने अभी पहना नहीं है, सिर्फ आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। ट्राई ऑन में डेफिनेटली आप देखने वाले हो, लेकिन ट्राई ऑन में बाद में करती हूँ। एक्सचेंज या रिटर्न करना पड़े तो उसमें मुझे दिक्कत आई है ना, बिकॉज 7 डेज के अंदर अंदर आपको रिटर्न या एक्सचेंज करवाना पड़ता है। तो जो भी इसमें जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, मैं मटेरियल एंड प्राइस पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। अगर मुझे लगेगा कि किसी कपड़े का कुछ है, अगर किसी कपड़े का मुझे लगेगा तो मैं उसमें वॉइस ओवर करके बता दूंगी आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। एंड वन मोर थिंग, कि अगर मैं किसी कपड़े का जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ, किसी का ट्राई ऑन नहीं दिखाने वाली हूँ, इट मीन्स कि अगर वो मुझे कपड़ा टाइट आया है, मुझे फिट नहीं आया है, डेफिनेटली अगर मैं उसको रिटर्न या एक्सचेंज करने वाली हूं तो मैं स्क्रीन के ऊपर उसको मेंशन कर दूंगी। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक पिंक कुर्ती पहनी थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, स्टार्ट करना चाहूंगी। सो यू कैन सी, ये पिंक कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटन की कुर्ती थी जो मुझे स्पेसिफिकली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। यू कैन सी, ये ऐसे जयपुरी प्रिंट इसको बोल सकते हैं, ये वाली कुर्ती है ये, और इसमें डबल एक्सल मैंने साइज लिया था, प्योर कॉटन की है। यू कैन सी बहुत ही अच्छी कुर्ती है और ये ब्रांड ही मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। दिस इज़ फ्रॉम सिलाई बुनाई ब्रांड, डबल एक्सल। इसमें जो साइज़ है ना मेरा, वो बिल्कुल परफेक्ट आया है, ना ही लूज ना ही टाइट, मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है। लास्ट वीडियो में इसी कुर्ती के साथ मैंने ये वाले दुपट्टे को पहना हुआ था, ये दुपट्टा मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, लास्ट वीडियो में मीशो के हॉल में, ये 293 का आया था दुपट्टा। इसका भी मैं आपको जो कोड है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस दुपट्टे का, बिकॉज व्हाइट दुपट्टा आप किसी भी के साथ कैरी कर सकते हो। तो ये इसके साथ मैंने कैरी किया हुआ था पिछली वीडियो में। यू कैन सी इसके नेक लाइन के ऊपर थोड़ा सा ऐसे एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये क्या है इसको बोलते हैं, यू कैन सी ये पास में से आप देख सकते हैं, कुछ गोटा तिल्ला कुछ ऐसी जो इसको बोल सकते हैं ना, ये वाली एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, सिर्फ नेक के ऊपर ही है। इस कुर्ती को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, ये है भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। लेकिन एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, पहले ही बता देती हूँ कि इस कुर्ती का जो प्रिंट जो कलर है ना, आपको शायद कैमरा में बहुत ब्राइट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका कलर इतना ब्राइट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसका कलर इतना ज़्यादा ब्राइट एक्चुअल में नहीं दिखता है, थोड़ा सा डल पिंक लगता है, लेकिन कैमरा में ये बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको दिख रहा होगा। बिकॉज जब मैंने भी इसको परचेज किया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ब्राइटनेस की थी, लेकिन ये इतना ब्राइट नहीं है। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि कॉटन की है और काफ़ी अच्छी है। प्रिंट इसका बहुत ब्यूटीफुल है, लेंथ इसकी काफ़ी सही है, वाइट प्लाजो के साथ या फिर वाइट सिगरेट पैंट्स के साथ जैसे मर्जी पहन के इसको आप स्टाइल कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगी जो मैंने पहना हुआ है। इन क्लिप्स को आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बिकॉज मुझे सेफ्टी पिन नहीं मिला तो मैंने इनको लगा लिया। तो ये ब्लैक कलर का सॉलिड मैंने सूट पहना हुआ है, विच इज़ अ प्लाजो पैंट सूट, ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल है। डबल एक्सल मैंने इसमें साइज लिया था, लेकिन ये साइज थोड़ा सा मुझे टाइट आया है, लेकिन इसको मैं रखने वाली हूँ। रेयन मटेरियल है, कई बार रेयन मटेरियल जो होता है ना, वो यूज़ करने के बाद, वॉश करने के बाद थोड़ा सा लूज हो जाता है, इसलिए मैं इसको रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया, ब्लैक सॉलिड सूट है ये, इस वाइट दुपट्टे के साथ तो इसको चार चांद लगे हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी मुझे मिला है, लाइक 400 समथिंग में मुझे मिला था। पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एकदम ऐसे डिज़ाइनर वाली फील आ रही है, लाइक कोई इसमें तड़क भड़क कुछ भी नहीं है। आप इसको रोज भी पहन सकते हो, आप इसको स्टाइल करके, जैसे आज मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनी है, आप इसको ओकेजनली भी पहन सकते हो। सो डेफिनेटली इसमें तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। सो माय नेक्स्ट सूट दुपट्टा, विच इज़ इन दिस ब्राइट येलो शेड, यू कैन सी, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ अभी ओपन किया है, यू कैन सी आप लोगों के सामने ही है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। समटाइम्स प्लाजो वगैरह नहीं मिलता है, ओके, आई डोंट थिंक सो कि इसमें प्लाजो है। ये एक अनारकली सूट है जो कि येलो कलर में है, जॉर्जेट का इसका मटेरियल है। लेट मी शो यू, यू कैन सी, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। वीडियो में दिख रहा था, जैसे ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था, डेफिनेटली डिज़ाइन सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है,
लेकिन इट्स क्वाइट गुड, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, यू कैन सी। ठीक है, ब्राइट येलो कलर है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है और ये कोई अफोर्डेबल भी नहीं है। ठीक है, ये 900 समथिंग में मेरे को मिला है, तो फुल इसमें आपको ऐसे अनारकली मिल जाती है, यू कैन सी नीचे तक इसमें प्रिंट, नीचे तक इसमें वर्क किया हुआ है, यू कैन सी। जॉर्जेट का मटेरियल है, जॉर्जेट मटेरियल पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज वो पहनने में ना एक तो कंफर्टेबल रहता है और उसी के साथ साथ ना थोड़ा ओकेजनली काफ़ी अच्छा लगता है, बॉडी को बहुत अच्छे से फिट करता है। और लेकिन इसकी जो अंदर की लाइनिंग है ना वो बहुत ही चीप मटेरियल की लगी हुई है, लाइक ये इसमें अगर कॉटन की लाइनिंग होती तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता पहनने में, तो लाइनिंग इसकी ऐसा जो उतनी नहीं है। लाइक कपड़ा ऊपर का ठीक है, जॉर्जेट का कपड़ा जो ऊपर का सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा चीप नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर का मटेरियल बहुत ज़्यादा चीप है जो इसमें लगा हुआ है, यू कैन सी। इसमें मैंने डबल एक्सल साइज लिया है, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा अनारकली वाला कुर्ता, और इसके साथ आपको प्लाजो नहीं मिलता है, इसके साथ आपको मिलता है ये दुपट्टा, यू कैन सी। दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी लेंथ भी दुपट्टे की अच्छी है, यू कैन सी। और इसमें आपको दुपट्टे के चारों ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क किया हुआ है, सी, ठीक है, बॉर्डर पे पूरे वर्क किया हुआ है गोल्डन कलर का। सो अच्छा है सूट, अकॉर्डिंग टू 900 रुपीज़ प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपको रेडीमेड मिल रहा है, सो आई थिंक इट्स गुड। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर लाइनिंग कॉटन की हो जाती ना तो इसमें चार चांद लग जाते, बिकॉज अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो उसके बाद मैं बात करूँगी ये एक ब्लू कलर के कुर्ते की, यू कैन सी। अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ आपके सामने ही, प्योर कॉटन का है ये, और काफ़ी ज़्यादा ये भी आपको स्क्रीन में काफ़ी ब्राइट दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा उतना ब्राइट ये एक्चुअल में नहीं है, थोड़ा सा डल है, पिंक वाला ज़्यादा डल दिख रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा डल है, लेकिन इसका स्टाइल और इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यू कैन सी। ये प्रॉपर आपको ओकेजनली आप पहन सकते हो इस कुर्ता को, वैसा कुर्ता है ये। अगेन इसका भी प्रिंट जो है ना जयपुरी प्रिंट इसको बोल सकते हैं, कौन सा लहरिया प्रिंट या ऐसा कुछ प्रिंट इसको बोलते हैं। इसकी स्लीव्स के ऊपर काम ऐसा किया हुआ है, और यहाँ पे नेक लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, और ये भी अनारकली स्टाइल है, गाउन के जैसे भी आप इसको पहन सकते हो, यू कैन सी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है ये कुर्ता, और इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसके पीछे की तरफ ऐसे ये डोरी का डिज़ाइन है, इसको आप टाई करके लाइक अपना, अगर आपको इंस्टेंटली फिटिंग अच्छी सी दी नहीं है, लाइक बॉडी का फिट बहुत अच्छा आता है, तो आप उस हिसाब से इसको पहन सकते हैं। इसमें मैंने साइज़ लिया है 3XL, बिकॉज मुझे था कि मैं इसको रिटर्न वगैरह में ना ही पढ़ूँ तो अच्छा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये कुर्ती, यू कैन सी, ब्लू कलर की एंड वाइट ब्लू, बहुत ही प्यारा कुर्ता है ये। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेंथ है इसकी, और यहाँ पे नीचे बॉर्डर के ऊपर भी इन्होंने लेस का वर्क किया हुआ है, यू कैन सी, ठीक है। और घेरा जो इसकी फ्लेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी खासी फ्लेयर है इसकी, ये देखिए काफ़ी अच्छी खासी फ्लेयर है। सो डेफिनेटली ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, पहनने में कैसा लग रहा है वो आप देख ही रहे हो। अब मैं बात करूँगी एक और कुर्ता सेट की जो कि बहुत ही यूनिक लगा मुझे। सो यू कैन सी ये कुछ इस तरह का है, ये भी रियॉन कॉटन मटेरियल का है, यू कैन सी। इसका ब्लैक कुर्ता है एंड इसके साथ आपको धोती सलवार मिलती है, धोती स्टाइल सलवार है इसकी। बॉटम जो है इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है, मजेंटा पिंक कलर का है। इसका एग्जैक्ट शेड वही है जो आपको कैमरा में दिख रहा है, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कुर्ता, और इसका ए लाइन कुर्ता नहीं है, इसका लाइक फ्रॉक स्टाइल कुर्ती आपको मिल जाती है। ये कंप्लीट एक डिज़ाइनर सूट आपको दिखने में लग रहा है, और इसका प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, 650 समथिंग में ये मुझे मिल गया, यू कैन सी। नेक के ऊपर आप देख स्लीव्स के ऊपर आप देख सकते हो, यू कैन सी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है स्लीव्स के ऊपर, लाइक बीच में इन्होंने जो नेट का कपड़ा अटैच किया हुआ है, लाइक दिखता है कि मेहनत की हुई है इसमें। और ये रियॉन कॉटन मटेरियल का है, इसमें भी साइज मैंने लिया है 3XL, और बाय द वे इसमें आपको साइजेस बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे, 4XL, 5XL, 6XL, इतने तक साइज है इसमें। होपफुली जब तक ये वीडियो जाएगी, आई होप कि ये वो सोल्ड आउट ना हो जाए। तो यू कैन सी ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ब्लैक कलर का एक फ्रॉक स्टाइल कुर्ती है, और जिसके साथ आपको ये एक धोती सलवार मिल जाती है, यू कैन सी, ठीक है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे पता नहीं इसकी लेंथ आएगी कि नहीं। यूजुअली मुझे बॉटम वेयर में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज मेरी हाइट की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को वो लाइक शॉर्ट हो जाती है उनकी लेंथ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई कि ये मुझे लेंथ इसकी परफेक्टली आ जाए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है दिखने में। और लेट मी टेल यू कि इनकी अगर ये धोती सलवार वाले स्टाइल वाले अगर हम स्टिच करवाने जाते हैं ना, बिकॉज मैंने पहले बहुत पहने हैं ऐसे वाले सूट, तो आई थिंक 600-700 रुपीज़ तो इसकी वो स्टिचिंग ही ले लेते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक 650 रुपीज़ में ये रेडीमेड हमें मिल रहा है, और बहुत ही स्टाइलिश है। कुछ हटके है, प्लाजो पैंट नहीं है, प्लाजो नहीं है, ट्राउज़र नहीं है, धोती
कुर्ती स्टाइल के साथ है और इनका कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैंने एक और कुर्ता सेट मंगवाया था, यस डबल एक्सल में, यस, जिसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है। इसके साथ मैंने दुपट्टा भी ऑर्डर किया था लेकिन दुपट्टा अभी तक आया नहीं है, तो नेक्स्ट एक और हॉल वीडियो आपको मीशो की मिलेगी बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं, लहंगा भी परचेज़ किया है बिकॉज़ आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो मुझे काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। ओके, ये है एक कुर्ता सेट जिसकी MRP है 454 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और ये एक ऑफ वाइट बेज कलर का, यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है, सो आई एम सो एक्साइटेड। ऐसा बेज कलर का एक कुर्ता सेट है, यू कैन सी इसके पोटली बटन कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बिल्कुल ये तो अप्रोप्रिएट है बिल्कुल एक फंक्शन के लिए या ओकेजन के लिए, फेस्टिविटीज़ के लिए। इसके साथ जो मैंने कुर्ता मंगवाया ना वो लहरिया प्रिंट में मंगवाया है, आई होप वो जल्दी जल्दी आ जाए तो मैं इसके साथ एक लुक आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगी बिकॉज ये कुर्ता सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यू कैन सी, ठीक है। इसके ऊपर गोल्डन गोल्ड फॉइल प्रिंट आप इसको बोल सकते हैं, डिज़ाइन वो है इसका। और ये भी अनारकली कुर्ता है, यू कैन सी लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, रियॉन कॉटन मटेरियल का है, डबल एक्सल इसमें मैंने साइज लिया है। इसमें आपको जो बॉटम मिलता है वो भी ठीक है, वो भी यू कैन सी, ठीक है। ये प्लाजो है, सिगरेट पैंट नहीं है, यू कैन सी, ठीक है, प्लाजो पैंट है, रियॉन कॉटन मटेरियल का, यू कैन सी, इलास्टिकेटेड। तो आई होप ये बॉटम मेरे को आ जाए बिकॉज यूजली मुझे बॉटम्स में बहुत दिक्कत आती है। सो ये भी कुर्ता सेट बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है, पूजा है घर में, लाइक छोटा सा ओकेजन है, बहुत ही सिंपल आपको दिखना है, स्टाइलिश दिखना है, डेफिनेटली आप ऐसे कुर्ता सेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज जो इसके साथ मैंने दुपट्टा मंगवाया ना, आई होप वो जल्दी आ जाए बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि इसके साथ भी एक ब्यूटीफुल सी लुक लेके आऊँ। ये जो कुर्ता सेट है ना, ये आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत लोगों ने पहना हुआ था, तो मैंने इंस्टाग्राम से ही स्क्रीनशॉट लेके मीशो के ऊपर जाके, उस स्क्रीनशॉट जो कैमरा के एक ऑप्शन है ना कि मीशो के ऊपर आप पिक्चर को अगर अपलोड करते हो लाइक वहाँ पे कैमरा के ऊपर, तो एग्जैक्ट डिज़ाइन आपको मिल जाता है उसमें, तो मैंने ऐसे इसको परचेज़ किया है। तो ये आया है 900 रुपीज़ का, 900 समथिंग का और 900 का, ठीक है। यू कैन सी ये प्योर कॉटन का है, यू कैन सी इसका कुर्ता कितना ब्यूटीफुल है, और इसके साथ आपको प्लाजो मिलता है एंड इसके साथ आपको कॉटन का दुपट्टा भी मिलता है, यू कैन सी, ठीक है। और ये ऐसा कुर्ता सेट है, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, ब्लैक कलर एंड रेड कलर का ये कॉम्बिनेशन है, बहुत ब्यूटीफुल है, कॉटन का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, यू कैन सी। और ये अनारकली है प्रॉपर, और फ्लेयर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओके, जो डिज़ाइन उसमें दिखाया गया था ना, उसकी जो नीचे का ये वाला पार्ट था ना घेरे के पास, वो ये वाइट लेस नहीं लगी हुई थी, आई थिंक वहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी वाली लेस लगी हुई थी। सो ऑब्वियसली अगेन जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम नहीं है बट काफ़ी सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि ये दुपट्टा भी है इसमें, रेडीमेड है, कॉटन का कपड़ा है, डबल एक्सल इसमें मैंने अगेन साइज़ लिया है अपना, यू कैन सी नेक के ऊपर ये काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल सा इसका डिज़ाइन है एंड प्रॉपर एक अनारकली है। नीचे बॉर्डर की बात करें तो यू कैन सी, ठीक है ना, तो लाइक जो प्लाजो है ना, जो इसका बॉटम वेयर है, उसी सेम कपड़े का यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर पे यूज़ किया हुआ है, यू कैन सी, ठीक है। ये तो परफेक्ट रहेगा अगर आप न्यूली मैरिड हो ना, बहुत सारे लोगों को हैवी कपड़े पहनने नहीं अच्छे लगते लेकिन स्टिल उनको इंडियन वेयर पहनना रहता है, तो आप ये कॉटन का ये कुर्ता सेट ट्राई कर सकते हो बिकॉज मरून कलर का काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल सा कॉम्बो है, यू कैन सी, इसमें आपको ये दुपट्टा और इसके साथ ये प्लाजो भी मिल रहा है। सो दुपट्टा भी जो है वो सिंपल नहीं है, कॉटन का, और चारों तरफ इसके यहाँ पे ये इन्होंने लेस लगाई हुई है, यू कैन सी, ठीक है, जो आपके नीचे लेस लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर। ओके, थोड़ी सी लेस यहाँ से उखड़ी हुई है, इतना तो लाइक आप दिमाग में रखो ना कि मीशो से अगर कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला। सो अभी एक और कुर्ता सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसका अगेन मैंने स्क्रीनशॉट से ही ये कुर्ता सेट परचेज़ किया है। सो मैंने ना ये कुर्ता सेट देखा था मिंत्रा के ऊपर, लेकिन मिंत्रा के ऊपर ये बहुत ज़्यादा, आई थिंक 1800-1900 रुपीज़ का मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं कि शायद ये मिंत्रा मीशो के ऊपर मुझे सिमिलर डिज़ाइन मिल जाए। तो जब मैंने एग्जैक्टली सेम मुझे डिज़ाइन मिल गया, तो कपड़ा भी जो पकड़ने में अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यू कैन सी, जो मिंत्रा के ऊपर डिज़ाइन था ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट डेफिनेटली डालने वाली हूँ, तो वही सेम डिज़ाइन मुझे मिल रहा है इसके ऊपर, लेकिन आई थिंक ये 600 समथिंग में मुझे मिला है और मिंत्रा के ऊपर 1200 रुपीज़ या 1800 रुपीज़ इतने में था, लाइक 1000 रुपीज़ से ऊपर था। सो यू कैन सी ये ब्यूटीफुल सा कॉटन का
कुर्ता है, कुर्ता सेट है, डबल एक्सेल इसमें मैंने साइज लिया है, जिसके नेक के ऊपर ऐसे ही आपको डिज़ाइन मिल जाता है, यू कैन सी, और इसकी स्लीव्स के ऊपर भी आपको डिज़ाइन मिल जाता है, यू कैन सी। डिज़ाइन क्या मतलब, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, प्योर एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, जो भी वर्क है, मिरर लेस की आपको लुक मिल जाती है, यू कैन सी। मुझे ना एग्जैक्टली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसे बोलना नहीं आता कि टेक्निकली समझाना नहीं आता। सो ये आप देख सकते हैं मिरर वर्क का यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, और यू कैन सी, ठीक है। और ये प्योर कॉटन का है, पिंक कलर का। सो इसके साथ भी ये वाइट दुपट्टा बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो वाइट दुपट्टा तो आप डेफिनेटली ले लेना, हर चीज़ के साथ चला जाता है, यू कैन सी, ठीक है। इसका कपड़ा बहुत फाइन क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। सो इसके साथ भी आपको ऐसे ये प्लाजो पैंट, यस प्लाजो पैंट आपको मिल जाती है, पिंक कलर की सेम, ऑब्वियसली नीचे भी आपको ऐसे गोटा पट्टी का ये डिज़ाइन दिया हुआ है। आई विश कि मुझे इन सब के जो बॉटम्स हैं ना वो आ जाएं, बिकॉज मैं इनमें से कोई भी ऐसा पीस नहीं है जो मुझे अभी तक लगा हो कि जिसको मैं रिटर्न करना चाहूँ। मे बी येलो वन भी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ उसके बारे में, बिकॉज उसका जो अंदर की लाइनिंग है वो ऐसा इतनी बढ़िया मुझे नहीं लग रही है। एनीवेज इस कुर्ता सेट की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूँगी इस साड़ी के बारे में, जो मुझे काफ़ी प्रिटी लगी। यू कैन सी पर्पल कलर की ये साड़ी है, और ये मैंने देखा था माधुरी दीक्षित के ऊपर एक साड़ी उन्होंने पर्पल कलर की पहनी थी, एग्जैक्टली सेम तो नहीं थी, लेकिन मुझे काफ़ी था कि मैं ना पर्पल कलर की साड़ी में कोई एक लुक लेके आऊँ। एंड स्पेसिफिकली गणेश चतुर्थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गणेश चतुर्थी आने वाली है, सो मुझे लगा कि मैं उसके लिए एक लुक क्रिएट करूँ। सो ये आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल साड़ी, इसको मैं अभी ओपन नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज डेफिनेटली जब मैं करूँगी अपनी लुक क्रिएट करूँगी तब मैं इसको आपको ट्राई ऑन भी इसका तभी दिखाऊँगी, बिकॉज इसकी जो नीटनेस है इसको मैं ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। यू कैन सी ब्यूटीफुल साड़ी है, बहुत ही प्रिटी है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, देखने में मुझे काफ़ी सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कपड़ा ठीक है इसका, और प्राइस पॉइंट वाज ओनली, दिस वाज फॉर रुपीज़ ओनली 550 रुपीज़। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने एक ब्लाउज़ लिया है अगेन, और वो लिया है मैंने रॉयल ब्लू कलर का, क्योंकि मैंने एक लहंगा परचेज किया है ब्लू कलर का। सो मुझे ये है कि जब वो लहंगा आए, मीशो से ही परचेज़ किया है, तो मैं उसके साथ कोई लुक क्रिएट करूँ, ये नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाए ब्लाउज स्टिच करवाने में। सो मैंने ये रॉयल ब्लू कलर का एक ब्लाउज लिया है, जो कि है सिर्फ 200 रुपीज़ का, सही लग रहा है देखने में, यू कैन सी। साइज़ भी इस बार मुझे परफेक्ट लग रहा है, बिकॉज यूजली जो है साइज़ हमेशा बहुत गड़बड़ आती है, इसके कप्स जो है ना यहाँ पे वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, हार्ड वाले कप नहीं है जो पहनने में बहुत अनकम्फर्टेबल रहें। सो काफ़ी अच्छा लगा, यू कैन सी रॉयल ब्लू कलर का ब्लाउज़ है ये, यू कैन सी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, स्लीव्स का भी आपको अंदर कपड़ा मिलता है, तो डेफिनेटली 200 रुपीज़ में तो इट्स लाइक अमेजिंग, क्योंकि 200 रुपये में तो ब्लाउज स्टिचिंग भी नहीं होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों ने इस हॉल को इन्जॉय किया होगा, एंड अगर आप लोगों के और भी हॉल देखने की इच्छा है मीशो का, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज अभी एक और हॉल वीडियो आने वाला है जिसमें लहंगाज होने वाले हैं, कुर्ता सेट्स भी होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो को इन्जॉय किया होगा, आप लोगों ने किसी भी तरह से आप लोगों के लिए ये अगर वीडियो हेल्पफुल रही है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर से शेयर करना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।